हालेलुया, सब कुछ जेम्स की हो। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, क्योंकि प्रभु महान है, वो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। इसलिए उस प्रभु को धन्यवाद दें। और आज शाम 12 अक्टूबर बुधवार आप लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, ब्लेस होंगे प्रभु के नाम से, वचनों के द्वारा, चिंगाई के द्वारा और आत्मिक जीवन के द्वारा ब्लेस होंगे प्रभु के नाम से। और शाम को लाइव जरूर जुड़े मेरे चैनल पर, प्रॉफिट सुमंदी मिनिस्ट्री पर। प्रभु आपका ब्लेस करें। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें और मजबूत करे, हम और ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से। और सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनो, आप हमारी विनतियों को सुने। हम सब मिलकर अपने घुटनों का टेक कर उस परमेश्वर के आगे, उस सच्चे परमेश्वर के आगे, उस उद्धारकर्ता के आगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम महान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे चरवाहा हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन को मेरे पिता परमेश्वर और ज़्यादा बढ़ाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा आत्मिक विश्वास और ज़्यादा मजबूत होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा सांसारिक विश्वास और ज़्यादा मजबूत होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और राजों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सूर्य चंद्रमा को बनाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पक्षियों को खिलाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे घर में हर तरह की कमी घटी दूर होने पाई मेरे पिता, मेरे जीवन से हर तरह की कमी घटी दूर होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे घर से हर तरह के बुरे संकेत दूर होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे घर से मेरे पिता हर तरह के जाटों के बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे घर से हर तरह की बीमारियाँ टूटने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे घर से परिवार की लड़ाई दूर होने पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे बेटे के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और वो आपकी महिमा करने वाला होने पाए, मेरा परिवार आपकी महिमा करने वाला होने पाए। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु और रबना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे चरवाहा हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं मेरे पिता, आपके आगे सरेंडर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप ही हमें चलाएं मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हमें रास्ता दिखाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच्चे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें हरी हरी चराई में बिठाते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच्चे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी चाहे मैं घोर अंधकार से मैं भरी हुई तराई में भी क्यों ना चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता चाहे मैं जितनी मर्जी हानि में रहूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी चाहे मैं घोर अंधकार में रहूं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें बचा लेते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु महान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परिवार मजबूत कार्य होने पाए, मेरे बिजनेस मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी जो प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं वो स्वीकार नहीं हो पा रही है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्यों स्वीकार नहीं हो पा रही है मेरे पिता हमें बताएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें हर तरह के बंधनों से छुड़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी हमारी जो प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसको स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु हमारा जीवन मजबूत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु और मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के पति जो ड्राइवर हैं, जो कार चलाते हैं, बेटे कार चलाते हैं, विदेशों में ड्राइविंग करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो ड्राइवरी करते हैं मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, इन्हें हर एक संकट से हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ओ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें हम आपके धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी महान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका तुल्य कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच्चे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महिमा परंपार है मेरे पिता, आपकी कृपा परंपार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें बड़े संकटों से बचाते हो मेरे पिता, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बचाते हो मेरे पिता, बड़े बड़ी हानियों से बचाते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें दुश्मनों से बचाते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी
जिस तरह मेरे पिता हमें पता नहीं लगता कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारे दोस्त है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप सब जानते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें हर एक दुर्घटनाओं से बचाते हैं मेरे पिता, आप हमें हर एक बंदरों से बचाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम हान हैं, आप राज्यों का राज्य हैं, प्रभु प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जिनके रिश्तों में रुकावटें आ रही है मेरे पिता, इनके रिश्तों को रुकावटें दूर होने पाए, इनका लोन में रुकावटें आ रही है सब लोन क्लियर होने पाए मेरे पिता, इनका धन रुका हुआ है इन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता जो बाइबल पढ़ना चाहते लेकिन बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी तरह से बाइबल पढ़ने वाले हो मेरे पिता, जो स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे पिता स्टडी में आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें पवित्र आत्मा से ब्लेस करें मेरे पिता, जो लोग पवित्र आत्मा के प्यासे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक आने पाए मेरे पिता, आपका जलाल आने पाए मेरे पिता, आपके सामर्थ्य आने पाए मेरे पिता, आपका अभिषेक आने पाए मेरे पिता, आपकी रोशनी आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो, ये ब्लेस हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से ये भर जाए मेरे पिता, जिनमें पवित्र आत्मा की कमी है मेरे पिता आज वो कमी पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राज्यों का राजा कमी घटी दूर होने पाए और आपका अभिषेक से भरपूर हो जाए मेरे पिता, ये पूरा डूब जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो ऐसे लोग जो मेरी प्रार्थना सुन रहे और जो वचन पढ़ते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि क्या मार्गदर्शन है ये वचन हमें क्या बता रहे हैं, वो पढ़ पा रहे लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें बुद्धि मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये वचनों को समझने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वचनों का गहरा गहरा इन्हें भेद मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, छुटकारा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में छुटकारा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, छुटकारा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में छुटकारा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, रबस अल्लाह खरबनम, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, छुटकारा करो मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा करो मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ओ रबस अल्लाह खरबनम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे हालात बदलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हमारे परिवार का हालात बदलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हमारे बिजनेस के हालात बदलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके दीवाने हैं मेरे पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग जो मसीह के दीवाने हो चुके हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मेरे घर में क्या है, मेरे परिवार में क्या है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो मसीह के दीवाने हैं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आपको स्वर्गीय मुकुट से परमेश्वर ब्लेस करेंगे, और राजों के राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो जो आपके दीवाने हैं मेरे पिता, आपके वचनों के दीवाने हैं, आपके दीवाने हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके बीच मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता, ब्लेस होने पाए मेरे पिता, या आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, रबस अल्लाह रबनम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें शैतान के चुंगलों से बचाते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, शैतान की हमें आप हमें शैतान जो भी हमारे परिवार में संकट डालता है, बिजनेस में संकट डालता है, आप हमें उन चीज़ों से बचा के रखते हो मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पौलुस और सिलास के बेड़ियों को तोड़ा मेरे पिता, जब उन्होंने प्रार्थना की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब उन्होंने प्रार्थना की मेरे पिता और जब उन्होंने आराधना की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ऊंचे स्वर से आराधना की क्योंकि कई दिन के सुन रहे थे मेरे पिता, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की मेरे पिता, आज ये भी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो कैद में है मेरे पिता, ये दुखों की कैद में है मेरे पिता, ये संकटों की कैद में है मेरे पिता, ये गरीबी की कैद में है मेरे पिता, ये जो कर्जे की कैद में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो अंधकार की कैद में है मेरे पिता, ये जो जादूटन के बंधनों की कैद में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब ये आराधना कर रहे हैं मेरे पिता, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता इनके बंधन नहीं बल्कि मेरे पिता इनको देखकर लोग मसीह में आए मेरे पिता, कि कैसे अद्भुत चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो गया, और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहा है, कहीं आमीन, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में रोशनी डालने जा रहा है, कहीं आमीन, और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, जब आराधना कर रहे थे, तो टूट गई, और जो जेलर था, जो दरोगा था, उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया और अपने परिवार के समेत उसी दिन प्रभु ने उन्हें अपनी जो परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया और आशीष होने पाए,
उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। इसी तरह आपके जो हालात ऐसे हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप आराधना करोगे, जब आप स्तुति करोगे, तो लोग देख के हैरान हो जाएंगे और आपको देखकर उनका जीवन बदलने वाला होगा। ये नहीं कोई ये कहेंगे तुम तो मसीह में आ गए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, जब आप लवलीन हो जाओगे परमेश्वर में, डूब जाओगे परमेश्वर में, तो आपको देख कर वो उनका रंग बदल जाएगा और वो भी कहेंगे कि हमें भी लेके चलो वहाँ पर, हमें भी लेके चलो, हमें भी लेके चलो मेरे पिता। और मैं खास उनके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ जो लास्ट स्टेज पे हैं, जिनके शब्द मुँह से शब्द देके आता है कब तक प्रभु, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक करोगे हमारे जीवन में चमत्कार। तो निश्चय अय्यूब आप पढ़ सकते हो, जब भी आपको ऐसा लगे आप अय्यूब के बारे पढ़ें कि अय्यूब को पर क्या, उसके पास कितना कुछ था और उसके पास सब कुछ छीन लिया गया, आपसे इतना कुछ नहीं छीना गया है, क्योंकि अय्यूब ही है एक परमेश्वर के, एक अद्भुत जीवित गवाही है बाइबल की कि कैसे परमेश्वर ने उसको ऐसा किया। और सबसे बड़ी बात अय्यूब की, सबसे बड़ी बात इसमें चैलेंज है। चैलेंज पहला क्या है, अय्यूब का चैलेंज, अय्यूब का चैलेंज मायने नहीं रखता है, अय्यूब का चैलेंज मायने नहीं रखता है, बल्कि परमेश्वर का चैलेंज मायने रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा शैतान से, करके देख ले, हालेलुया। देखो, क्योंकि प्रभु ने बनाया है हमें, प्रभु जानते हैं कि कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, तरसों क्या होने वाला है, प्रभु जानते हैं, हम नहीं जानते। प्रभु ने चैलेंज खेला, देख लो अय्यूब पर चैलेंज खेला, और क्या हुआ, अय्यूब ने परमेश्वर को हरवाया नहीं है, शैतान का झुकाया नहीं है, बल्कि परमेश्वर का सिर ऊंचा किया था। आप भी परमेश्वर का सिर नीचे ना करें, परमेश्वर के सिर को ऊंचा करें, ताकि प्रभु कह सके कि मेरे उस बेटी को देखा तूने, मेरे उस बेटे को देखा तूने, इतने संकट में भी वो हालेलुया कर रही है, इतनी संकटों में भी वो हालेलुया कर रही है, आराधना कर रही है, चर्चा नहीं छोड़ रही है, प्रार्थना में लगी हुई है, वचनों में लगी हुई है, बाइबल में लगी हुई है, भजन सुनने में लगी हुई है, लाइव देखने में लगी हुई है, हर एक काम में वो लवलीन है प्रभु के नाम से। परमेश्वर कहेंगे, चैलेंज करेंगे, हमें लगता है कि प्रभु नहीं कर रहे हैं, प्रभु नहीं कर रहे हैं, इससे बड़े बड़े संकट आपके ऊपर हैं, लेकिन प्रभु ने उन संकटों को दबा दिया है, लेकिन कुछ हल्के फुल्के जो आपके ऊपर हैं। अब ये सुनो कि अगर परमेश्वर दूर हो जाए तो आपका बनेगा क्या, हालेलुया। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर चैलेंज खेलते हैं, यहाँ इसको पर देखता हूँ करके, ये देखते हैं ये कितना विश्वासी है, ये कितना ऐसे विश्वासी है। और आप प्रार्थना करें निरंतर, परमेश्वर के प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह जी, मैं ऐसे लवलीन होने पाऊँ, मैं ऐसा होने पाऊँ कि परमेश्वर मुझ पर हाथ रखे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया पे आए और प्रभु ने क्या किया, अद्भुत कार्य, क्या बोला कि प्रभु ये मेरे लिए प्रिय पुत्र है, हालेलुया। आप भी ऐसा करते हैं कि प्रभु भी कहें ये मेरे प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। इसलिए लवलीन रहे प्रार्थना में, सिंपल सा काम है, प्रार्थना करो बंधन टूटेंगे। जिस तरह पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बेड़ियां टूट गई, यहाँ तक कि अद्भुत चमत्कार हो गया, कैदियों ने विश्वास कर लिया और लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, 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 ताकि प्रभु भी कह सकें हाँ शैतान आधा जिसके साथ मर्जी चैलेंज खेल ले, ये मेरे प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। इसलिए अपने आप को प्रार्थना में आगे बढ़ाएं, खाना चाहे ना खाएं, प्रार्थना में आगे बढ़ाएं, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस प्रार्थना के बाद आप प्रार्थना करें, 5-10 मिनट प्रार्थना करें प्रभु के आगे, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी थी आज, लेकिन प्रभु ने एक वचन बताया कि आपके लिए, कि परमेश्वर ने चैलेंज खेला था किसको पर, अय्यूब पर, एक इंसान पर, परमेश्वर पर चैलेंज नहीं खेला, एक इंसान पर चैलेंज खेला। मैं चाहता हूँ आप भी चैलेंज वाले बनो, ताकि प्रभु चैलेंज खेल सके, आपका पास्टर जो आप पे चैलेंज कर सके कि ये मेरा बेटा है, इस पर मुझे विश्वास है पूरा, ये चलो लंबा चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर बात करूँगी, प्रभु ने चैलेंज खेला अय्यूब के ऊपर कि हाँ ये मेरे प्रिय बेटा है, तू जो करना है इसके साथ कर ले, हालेलुया। और आपको पता कि अय्यूब की हालात क्या थी, इसलिए आपके हालात भी बदलेंगे प्रभु के नाम से। प्रार्थना में लवलीन रहें, आग में लवलीन रहें, अगर आपकी रूह की आग कम होगी संकट बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना में लवलीन रहें और आप ब्लेस्ड रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें, आज शाम के लाइव जरूर जुड़ें और इस प्रार्थना को शेयर करें, और निश्चय मेरी इस बात को हमेशा याद रखें, लवलीन होना है, डूबना है मसीह में, हालेलुया, डूबना है पूरा, गिट्टों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, गर्दन तक नहीं, बल्कि दिखना नहीं चाहिए हम, इतना डूबना है, हालेलुया।
क्योंकि इसमें भी एक अभी एक मैं बताता हूँ गहराई वाली बात अभी मेरे दिमाग में ही कि देखो अगर मैं नहर में हूँ, ठीक है, नदी मान लो, नहर मान लो, तो मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, तो जैसे हमारे चर्च के बाहर एक नदी है, नहर है छोटी, मान लो उसका पानी सिर्फ यहाँ तक आता है, जो कमर तक पानी आता है, तो मेरे पे कोई भी वार कर सकता है। अगर मैं बैठ जाऊँ तो मेरे शोल्डर तक आएगा पानी, वो तो क्या हो जाएगा, मेरी सिर्फ गर्दन गर्दन रह जाएगी, फिर मैं सिर्फ सामने देख सकता हूँ, राइट और लेफ्ट पीछे नहीं देख सकता मैं, लेकिन अगर मैं पूरा ही डूब जाऊँगा तो मैं किसी को दिखूंगा भी नहीं और मेरे पे कोई वार करेगा और मेरे पे वार लगेगा भी नहीं। ऐसा डूबे मस्जिद के अंदर कुछ लोग सिर्फ पांव तक ही रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ घुटनों तक रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ कमर तक रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ शोल्डर तक रहते हैं, कंधों तक रहते हैं। नहीं नहीं दुनियादारी भी कोई नाम की चीज़ है, दुनियादारी भी जरूरी होती है, ऐसा ऐसा करके ऐसा करके पूरा लवलीन हो जाए मसीह में करके देखें, 3 महीने करके देखें, मैक्रोन जीवन बदल जाएगा आपका, आप सारी उम्र ही लवलीन रहोगे। हालेलुया, डूबना सीखें। दीवाना कहते हैं दीवाना हो गया, पागल कहते हैं कि ये पागल हो गया है, पागल हो जाए मसीहत के लिए। हालेलुया, जैसे हम किसी चीज़ के लिए पागल होते दीवाने हो जाते हैं, मसीह के दीवाने हुए, डूब जाएं, घर में सिर भी फट रहा है तो अभी घुटनों को टेके बाद में प्रार्थना करें। मैंने मेरे लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो कि बाथरूम में जा जाकर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने आज उनको उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, क्योंकि घर वाले प्रार्थना नहीं करने देते थे लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर से आपका मेल करवाती है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपके प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आपका मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता। एक रास्ता है प्रार्थना, विनती, जब आप करोगे तो ही आपकी बातें स्वर्ग तक जाएंगी, परमेश्वर तक जाएंगी और आप ब्लेस होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, प्रार्थना करने का तरीका कैसा है आपका, यह सबसे जरूरी मायने रखता है। इसलिए क्या प्रार्थना करने का तरीका है, आपको पता है, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना और बाद में परमेश्वर के आगे अपनी विनती को रखना। इसलिए आप प्रार्थना करें निरंतर और प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन।